सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दंतो बायोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक बायोमोलिक्यूल। देखो बायोमोलिक्यूल जेई मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके लिए, तो क्योंकि काम एक्स के क्वेश्चन बड़े बड़े और नीट के भी आपसे देखो तो 2 क्वेश्चन, ठीक है, और आपका बहुत ही गुड लगे तो 3 क्वेश्चन। अब बायो वालों के लिए तो बहुत लकी ड्रॉ है ये, क्योंकि ऑर्गेनिक की जहाँ भर भर के रिएक्शन है वहां पर अगर बायो का कुछ आ जाए तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है, पर मैक्स वालों के लिए वही गाली देने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो अगर ये लेक्चर देख लोगे ना तो मैक्स वाले भी कुछ, बायो वाले भी कुछ, बोर्ड वाले भी कुछ, अपन तो खुशी है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर ऐसा है कुछ, जैसे आपके घर में जो शुगर है ना, कॉमन सा बेसिक सी बात करूं, घर में शुगर उसको आप बोलोगे सुक्रोज। क्या बोलोगे? सुक्रोज। तो मम्मी को बोलना है मम्मी चाय में सुक्रोज डालो, ठीक है, और सुबह दूध वाला भैया आएंगे ना तो उनके पास जाना, भैया लैक्टोज दे दो। क्या दे दो? लैक्टोज, क्योंकि जो दूध में शुगर होती है उसे बोलेंगे लैक्टोज, घर में शुगर होती है उसे बोलेंगे सुक्रोज। ये बात क्लियर है? ये 2-3 चीजें जो बेसिक ही बस याद होनी चाहिए। मोनोसेक्राइड की बात करूं, मोनो मतलब सिंगल, 20 नॉन मोनोसेक्राइड है हमारे पास अकॉर्डिंग टू NCERT, 20 नॉन मोनोसेक्राइड। जैसे एग्जांपल दूं मैं तो GFR, बेटा ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट नहीं है जो नेफ्रॉन में पढ़ा था, ये है ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोस। ये बात क्लियर है? अगला है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूं, डाय मतलब दो, अगर डाइसेक्राइड को मैं हाइड्रोलाइसिस करूं तो यूनिट सेम भी हो सकती है, यूनिट डिफरेंट भी हो सकती है। क्या वाला है ये देखते हैं। जैसे माल्टोस, बेटा माल्टोस, ठीक है, माल्टोस अगर मैं तोड़ू तो 2 ग्लूकोज यूनिट में टूटेगा। वही अगर मैं सुक्रोज को तोड़ू, ये बहुत हरामी है, पहले से बता रहा हूँ, सुक्रोज बहुत हरामी है, ठीक है, ये टूटेगा, एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ना कि फक्टोज, ठीक है। तो होम में शुगर सुक्रोज, मिल्क में शुगर लैक्टोज, मोनोसेक्राइड 20 नोन है अकॉर्डिंग टू NCERT, एग्जाम्पल GFR ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोस। माल्टोस टूटेगा तो यूनिट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, मैंने बोला डाइसेक्राइड अगर टूटेगा तो यूनिट सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। सेम का एग्जाम्पल मैंने दिया माल्टोस को तोड़ा तो 2 ग्लूकोज, वही मैंने अगर सुक्रोज को तोड़ा तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ये बात क्लियर है? अब ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड पढ़ लिया सिंगल यूनिट, डाइसेक्राइड पढ़ लिया 2 यूनिट, ओलिगोसेक्राइड क्या है? 2-10 मोनोसेक्राइड, मोर देन 2-10 मोनोसेक्राइड अगर हो तो ओलिगोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड क्या है? मोर देन 10 पॉलीसेक्राइड। ये बात क्लियर? पॉलीसेक्राइड मतलब लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, मोर देन 10, ठीक है। अच्छा, जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ना वो स्वीट नहीं होते टेस्ट में। कैसे नहीं होते? स्वीट नहीं होते, ठीक है, नॉन शुगर होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन शुगर, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए तो स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन, क्या है? स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन किसका? पॉलीसेक्राइड का, ठीक है, जो मोर देन 10 मोनोसेक्राइड, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट टेस्ट को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट टेस्ट आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, जितने भी मोनोसेक्राइड है जितने भी सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। ऑल मोनोसेक्राइड, एल्डोस, कीटोस सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। माल्टोस, लैक्टोस सब रिड्यूसिंग शुगर है, पर एक को छोड़ के, और एक का नाम है सुक्रोज। तो सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये बात क्लियर है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? सुक्रोज, ठीक है। अब शुगर क्या होती है? जिसका फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है, ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH फंक्शनल ग्रुप है, तो जिसका फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है वो शुगर होता है, ठीक है। ये तो ही बेसिक सी बात। क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन इसमें एक आता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज, ठीक। दूसरा, कितना तरह के नॉन है अभी तक इस पर नजर गई नहीं है, हालांकि कभी भी जा सकते। और बेसिक भी आता है, बेसिक क्या है? बेसिक जैसे होम में कौन सी शुगर है, मिल्क में कौन सी शुगर है, ये आता है मिल्क में कौन सी शुगर है। तो भैया दूध वाले भैया को बोलना भैया लैक्टोज दे जाओ, ठीक है, पर ध्यान से बोलना प्यार से कल से दूध डालना बंद नहीं कर दो, ठीक है। ये तो ही बेसिक बात है। अब आओ मेंटोस जिंदगी, ये तो आम जिंदगी थी, मेंटोस भी देख लेते हैं क्या होता है। तो ग्लूकोज जो है अगर वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ग्लूकोज अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड। वहीं ग्लूकोज अगर डेल्टा HI के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NHN, लॉन्ग चेन, स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर ब्रोमीन वाटर तो ग्लूकोनिक, ग्लूकोज अगर डेल्टा HI तो NHN स्ट्रेट चेन, ठीक है। वहीं अगर ग्लूकोज अगर NH2OH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो बनता है ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। ये एक इंटरमीडिएट होता है, फिर रिएक्ट करता है HCN के साथ। किसके साथ? HCN, तो बनाता है साइनोहाइड्रिन। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। तो ग्लूकोज जो ब्रोमीन वाटर के साथ तो ग्लूकोनिक, HI के साथ तो NHN स्ट्रेट चेन, और NH2OH के साथ तो बनाएगा इंटरमीडिएट ऑक्साइड, फिर HCN के साथ रिएक्शन करके बनाएगा साइनोहाइड्रिन। ये बात क्लियर है? और ग्लूकोज जो होता है डेक्सट्रोरोटेटरी होता है। ये क्या है?
डेस्कटॉप और लीवो, ये बात ध्यान रखना ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, डेस्कटॉप रिएक्टरी। और जो थर्ड रिएक्शन है जिसमें NH2OS के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है, फिर रिएक्शन कर रहा है HCN के साथ बनाना है साइनोहाइड्रेट, तो ये रिएक्शन शो करती है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप शो करती है रिएक्शन। तो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन शो करती है ये पूछा गया NH2OS से रिएक्शन वाली ठीक। रिसेंटली JEE मेंस में 2 साल पहले पूछा गया क्वेश्चन, तीनों दे दिए, ये तीनों पूछ लिए क्या क्या बनेंगे, ये सब याद होना चाहिए, बोर्ड में पूछते हैं ठीक है। देखो ग्लूकोज जो है स्किप टेस्ट नहीं देता, कौन सा टेस्ट नहीं देता, स्किप टेस्ट नहीं देता और नॉट फॉर्म H2S एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। अगर हम इसे NaHSO3 के साथ रिएक्ट करवाए ना तो ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता H2S, ये NCERT की लाइन है ठीक है। ग्लूकोज स्किप टेस्ट भी नहीं देता और ग्लूकोज जो है एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं बनाता, कौन सा H2S अगर हम रिएक्शन कराए NaHSO3 के साथ दूंगे ठीक है। अगर पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइड, क्यों बताते हैं, तो पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज जो है हाइड्रोक्सिलामाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है ठीक है। ग्लूकोज का पेंटाएसिटेट वाला कंपाउंड हाइड्रोक्सिलामाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, और ये रिएक्ट नहीं करता इसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि इसमें CHO ग्रुप नहीं है, अगर CHO ग्रुप हो जाता तो रिएक्ट कर लेता ठीक है NH2OH के साथ, पर अगर पेंटाएसिटेट ऑफ ग्लूकोज में CHO ग्रुप नहीं है इससे हमें ये कैसे पता लगता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिलामाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता। 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ठीक है, पाइरानोस, अगर पूछ ले कोई 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइरानोस बोलेंगे ठीक है। और मोस्ट करेंटली अगर मोस्ट एक्यूरेटली अगर हम एक्सप्रेस करें इसको तो एक्सप्रेस कर सकते हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर से, HAWORTH स्ट्रक्चर ठीक है। अब बात करूं माल्टोज की, देखो माल्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर है, उसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, तो पूछा गया माल्टोज में कौन सा फ्री ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा है, एल्डिहाइड। और भाई जितनी भी शुगर है सब रिड्यूसिंग है एक्सेप्ट सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज ठीक है। अब स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट, स्टार्च क्या है, मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट ठीक है। स्टार्च जो है दो चीजों से बना है, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अब जो अमाइलोज है वो वाटर सोल्यूबल है, अनब्रांच है 15 से 20%, क्या क्या है, वाटर सोल्यूबल, अनब्रांच और 15 से 20%, कौन अमाइलोज। स्टार्च कैसे बना है, अमाइलोज प्लस अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज क्या है वाटर सोल्यूबल 15 से 20% और अनब्रांच ठीक है, अनब्रांच वाटर सोल्यूबल 15 से 20% है अमाइलोज। वही उल्टा कर दो, ब्रांच वाटर इनसोल्यूबल 80 to 85%, ये क्या है अमाइलोपेक्टिन ठीक है। तो अमाइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच है। चलो सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, अगर कोई पूछ ले रोक के तो क्या बोलोगे, सेलुलोज ठीक है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इन प्लांट किंगडम ठीक है। अगर प्लांट किंगडम में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अर्थ पे है वो कौन है, सेलुलोज ठीक है। कहां पे होता है सेलुलोज, मैंने बोला था प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, इसलिए तो अपन ने सेलुलोज एंजाइम यूज किया था बायोटेक्नोलॉजी में ठीक है। क्यों यूज किया था, क्योंकि हम सेल वॉल को पेनिट्रेट करके उसमें से डिजायरेबल जीन निकाले। चलो वापस आ जाओ ठीक है। अब ग्लाइकोजन की बात करूं, ग्लाइकोजन जो है हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ठीक है। और ग्लाइकोजन जो होता है ब्रांच होता है, कैसा होता है, ब्रांच होता है। अच्छा ब्रांच होता है तो ये अमाइलोज की तरह हुआ या अमाइलोपेक्टिन की तरह, अमाइलोपेक्टिन की तरह हुआ क्योंकि अमाइलोपेक्टिन होता है ब्रांच, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि स्टोर रहता है हमारी एनिमल बॉडी में ठीक है। अब इधर आ जाओ, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन, ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, रट लो, ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, एनसीईआरटी की लाइन है ठीक है। वैसे तो प्रोटीन क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ये हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, और अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन होती है और दो अमाइनो ग्रुप को बीच में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड ठीक है। तो प्रोटीन क्या है, ऑल प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, ये बात क्लियर है। अभी देखते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, रुको सबर करो। अब क्या है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन क्या होता है, मीठा, मतलब स्वीट इन टेस्ट, गलत मत ले जाओ बेचारे को, कल से मीठा बोलो ठीक है। और एनसीईआरटी में छुपा के दबा के एक लाइन लिखी हुई है, टायरोसिन फर्स्ट ऑब्टेंड फ्रॉम चीज, आधों को पता होगी आधों को नहीं, टायरोसिन कहां से मिलता है, चीज से मिला है, फर्स्ट ऑब्टेंड फ्रॉम चीज ठीक है, पढ़ना एनसीईआरटी। अब अमाइनो एसिड की बात करूं, अमाइनो एसिड कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, कैसे होते हैं, कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और वाटर सोल्यूबल ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर एक प्रोटॉन रिलीज करेगा तो बनाएगा अमाइनो एसिड, और ये जो छेड़म छड़ी चल रही है इनके बीच में इसको बोलेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ स्वीटर आयन या डायपोलर आयन, ये बात क्लियर है, स्वीटर आयन या डायपोलर आयन एक ही नाम है, ध्यान रखना ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अल्फा अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ग्लाइसिन को छोड़ के, किसको छोड़ के,
ग्लाइसिन को छोड़ के सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं अल्फा अमाइनेज, ठीक है, और नॉन रिड्यूसिंग कौन सा था, सुक्रोज, ठीक है, ये दोनों बातें ध्यान रखना, तो ग्लाइसिन और सुक्रोज दोनों एक्सेप्शन है, ठीक है। अब इंसुलिन, इंसुलिन पे अभी तक बहुत क्वेश्चन आया पर ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया कि इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड होते हैं, तो होते हैं 51, रट लो लिख लो, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है फाइब्रस, तो वाटर सोल्यूबल तो नहीं होंगे, ठीक है, फाइब्रस मतलब स्ट्रॉन्ग तो होंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड या वाटर सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल है कैरेटिन और मायोसिन, क्या है, कैरेटिन और मायोसिन। अगला है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर, ग्लोबल, गोल, स्फेरिकल, ठीक है, वाटर सोल्यूबल, क्योंकि इसको इनसोल्यूबल बोल दिया तो इसको सोल्यूबल बोल देते। इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन एल्बुमिन, ठीक है, नाम से देखो इन इन इंसुलिन एल्बुमिन, इंसुलिन एल्बुमिन, ठीक है। देखो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, पर प्रोटीन में डीनेचुरेशन क्या होता है, अगर प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाए, कैसे चेंज होगी, या तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है बॉडी का, या पीएच चेंज हो रही है, जिसकी वजह से अगर टेम्परेचर और पीएच चेंज होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, अब यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे जो है ग्लोब्यूल अनफोल्ड होता है, हेलिक्स अनकॉइल्ड होता है, ग्लोब्यूल अनफोल्ड, हेलिक्स अनकॉइल्ड, ध्यान रखना जी तो है अनफोल्ड, ग्लोब्यूल अनफोल्ड, हेलिक्स अनकॉइल्ड होता है, तो जैसे डीनेचुरेशन प्रोटीन होता है, क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब क्यों होता है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पीएच होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होने की वजह से ग्लोब्यूल अनफोल्ड, हेलिक्स अनकॉइल्ड होता है, ठीक है, और प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्राइमरी चेन जो है वो रह जाती है और सेकेंडरी टर्शरी जो है डैमेज हो जाती है, या फिर ये बोल लो सेकेंडरी और टर्शरी जो है प्राइमरी में चेन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में, ये लिखना है आपको, ठीक है। अब आपको देखना है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है, एडीई के, क्या बोलोगे, एडीई के, एडीई के क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, और वही वाटर सोल्यूबल देखूं तो बी और सी, बी और सी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, गाली मत देना किसी को बी सी, वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, बी और सी, ठीक है, पर एक्सेप्ट विटामिन B12 सारे क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। अच्छा, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यार हमें विटामिन बी डेली डाइट में क्यों जरूरी है, ठीक है, तो मेरे भाई विटामिन बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल, पानी के साथ, यूरिन के साथ निकल जाएंगे, तो हमें डेली डाइट में रिक्वायर्ड है, ये बात ध्यान रखना। अब डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रैंड मॉडल कुछ था, वो किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। अब आपको इसमें सिर्फ वो सिर्फ पढ़ने लगा है विटामिन, विटामिन विटामिन ए बी सी डी ई के बी सिक्स बी ट्वेल्व ये सब, ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो क्वेश्चन क्या आता है, विटामिन सी का एक और नाम क्या है, तो है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन बी टू का क्या है, तो है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी सिक्स का क्या है, तो है पाइरिडॉक्सिन, तो ये क्वेश्चन आते हैं विटामिन में, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की वजह से, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायोमोलिक्यूल, ठीक, ये है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बस इसे पढ़ लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई डाउट नहीं आएगा, पूरी एनसीईआरटी जाओ, कोड डालो, पढ़ डालो, उसके बाद नीचे कमेंट में सेक्शन में कमेंट करो कि भाई क्या समझ में नहीं आया, मेरे को लगता है इससे रिलेटेड तो मेरे पास कोई समझ कोई कमेंट नहीं आएगा कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बायोमोलिक्यूल, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, घंटे का बटन दबा जाना, ताकि ये चैप्टर या आने वाला कोई भी चैप्टर सबसे पहले आपको पता लगे, 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाए, आप भी खुश मैं भी खुश, थैंक यू सो मच।